नमस्कार, एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। जिले में पानी को लेकर के हाहाकार मचने लगा है। दरअसल दमोह जिला मुख्यालय के सिविल वार्ड नंबर 10 खजरी मोहल्ला में रहने वाले लोग पानी को लेकर परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर के उनके वार्डों में टैंकर भेजे जाते हैं, लेकिन वे सब लोग मजदूर वर्ग के लोग हैं। ऐसे में सुबह से ही वो काम पर चले जाते हैं, लेकिन जब टैंकर आता है उस समय घर पर कोई नहीं होता। ऐसे में महिलाओं और बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी किसी के घर में महिलाएं भी नहीं होती। कुल मिलाकर इन लोगों का कहना है कि पानी की पाइपलाइन से ही पानी सप्लाई हो, जिससे उन लोगों को परेशानी ना हो। इन लोगों के द्वारा सड़क पर जाम लगाया गया, अपनी मांग रखी गई, तो वहीं देहात थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह राजपूत ने मौके पर पहुंच करके लोगों को समझाइश दी और जाम खुलवाया। क्या है लोगों की मांगे, आपको सुनाते हैं। रिपोर्ट एशियन न्यूज़। अरे खड़े हो जा, अपना मरने से पानी नहीं मिलेगा, मर जाएंगे एक जनता और कम हो जाएंगे, लेकिन मरना नहीं है। हमें तो पानी जाना कहाँ से टैंकर है, कहाँ हमें जाना टैंकर नहीं, हमारे हाथ मुँह काटने को ले आने पानी चाहिए। पानी पानी बिल्कुल जरूरत है, पानी मिलेगा तो, है ना। पानी आता ही नहीं है सर, क्या ये तो सब पाइप जा रहे हैं, आदमी काम करेगा। अब तो पानी कौन क्या बोलवा सकता था, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा तो अभी तक कैसे चल रहा था। नहीं, 3 साल हो गए, अभी अभी कैसे चल रहा है, अभी तो अभी 2 दिन से क्या, मतलब 2 दिन पहले तक आ रहा था पानी। अरे अभी तक पानी कैसे चल रहा था। सुनो साहब, पानी है, सोचा मैं आपको बता रहा हूं, पानी बता नहीं हमें पानी। हां तो ये ठीक करवा रहे हैं भाई, आप भी ठीक करवा रहे हैं। बहुत परेशानी है, बहुत जाते हैं आदमी, पल्लेदारी करते हैं, पल्लेदारी करने के बाद में भी हम लोग के यहाँ पानी नहीं आता है। पल्लेदारी करेंगे तो हम लोग वहाँ पानी रखेंगे पीने के लिए। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, महीने में हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं हो रहा, 3 साल हो गए, पाइप लाइन में पानी नहीं आ रहा, केवल सिंगी कैम्बाली लाइन में पानी जाता है, तो उसी लाइन से हम लोग अपना कनेक्शन करवाना चाहते हैं, उसी लाइन में ही नगर पालिका में शिकायत नहीं की। नगर पालिका में शिकायत नहीं की आपने, तुम सब खड़े हो, जाम लगाया। मुझे टैंकर नहीं चाहिए, मुझे पाइपलाइन के लिए चाहिए, जिसमें पूरे मोहल्ले के पानी की उपलब्ध हो जाए। कब से समस्या है पानी चाहिए, माली एक टन एक टन छोड़ के मिली, लेकिन रोज चाहिए पानी। कब से समस्या, कम से कम 3 साल से भी ऊपर हो गया, 2 साल से बहुत परेशान है, 3 साल क्या हो गया। बोला है नगर पालिका में शिकायत की है, भोपाल में भी की है, एक तो मतलब क्या नंबर है, एक तो इत्यादि की, उस पर ही फोन लगाया, उन्होंने बोला 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन हुई नहीं कभी भी, समझ तो सॉल्व बनी। नगर पालिका में शिकायत नहीं की, हाँ की है, फिर एक ही हुई, एक बात हुई है, जो भी है वो मतलब पाइपलाइन वाला काम है जो करती है, वो उन्होंने ये बोला आप शिकायत करते रहेंगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे, उन्होंने ये बोला।
उनका नाम तो नहीं जानते, इसीलिए नहीं बता। क्या चाहते हो? हमें पानी की व्यवस्था। अब वो पानी भरेंगे कि मजदूरी करेंगे कि बच्चों का पेट भरेंगे, क्या करेंगे? अगर मजदूरी नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? यहाँ पूरी मजदूरी भरा है, इधर पर पूरे पल्लीदार आदमी है इधर पर। हम लोग पानी भरेंगे कि बच्चों को खिलाएंगे कि मजदूरी करने जाएंगे? कहाँ जाते हैं पानी फिल्टर में? पानी जाते हैं 4-4 बजे रात को, जाए 3-3 बजे रात नहीं गिनते हमारे घर के आदमी। तो सुनाई भी तो होना चाहिए, फोटो उतार तो कुछ नहीं होता है। समस्या हल करो, समस्या हल करो तब जाकर जीत होती है। कब से है समस्या पानी की? 4-5 साल से है, ये तो पहले से है। जो तो फिल्टर अभी डाल गई 4 साल से, लाइन में फिर भी नहीं आता। 3 गुल्ली में बिना मोटर के पानी आता है, 30 दिन मंजिल चढ़ जाता है पानी। लेकिन सिविल वार्ड नंबर 10 में मुश्किल से आध घंटा में पानी आता है, तो उसी में किसी में 4 डब्बे आता, किसी में 2 डब्बे आता, किसी में बिल्कुल भी नहीं आता। नगर पालिका में शिकायत नहीं की? नगर पालिका तो खुद आदमी आए हैं हमारे यहाँ, मेम्बर लेके आए, देख गए, कुछ नहीं होता है। सब बकवास है सब। आज जनता को परेशानी है तो जनता इकट्ठी हुई, जनता को परेशानी होती थी, किसी को मजा नहीं आता कि बड़े लोगों में खड़े हो गरीब घर की औरतें। और नगर पालिका जाओ कोई नहीं सुनाते, बेकत उधर जाओ ऐसी कोई नहीं सुनाते। अपने पार्षद के पास वार्ड नंबर 10 में खजी मोहल्ला वार्ड नंबर 10 में पानी नहीं है। हम लोग पार्षद के पास 4 पार्षद बोलन डाल, लाइन सुधरवा देंगे, पाइप डरवा देंगे, और 3 साल से परेशान हैं। जिसके दरवाजे में जाते पानी के लाने तो पानी हमारे मिलत नहीं, हमारे प्यासे रहते हैं। हम लोग पता नहीं का पानी पीते, जब काय की पाइप लाइन डरवाई, काय के लाने आदेश निकाले, जब पानी नहीं आ रहा हमारे वार्ड नंबर सरकार को ले रहे हो, और काय का टैक्स ले रहा हूँ, और काय के पार्षद है जे, जो कि हम लोग पानी बहुत ज्यादा परेशान है। दो दिन से ग्रामवासियों द्वारा बताया गया था कि उनके यहाँ पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, तो जो पीएचई वाले उनको बुला दिया था, और नगर पालिका से भी कर्मचारी आ गए थे। कुछ पाइपलाइन को लेके इशू था, वो अभी सुधार कार्य चल रहा है। इसी बीच उनको बताया भी था कि यदि पानी की ज़्यादा समस्या हो तो पानी का टैंकर भी भिजवाया जा रहा है। क्या मांगे थे पानी? मेन समस्या ये थी, उनके द्वारा बताया गया कि विगत 3 वर्षों से पानी को लेके लगातार वो शिकायत कर रहा है, और पानी की सुचारू सप्लाई नहीं हो पा रही है, और चूंकि अभी 2-3 दिन से गर्मी काफ़ी बढ़ गई है तो फिर पानी में कुछ समस्या है, इसलिए उन लोग ने रोड जाम की थी। दमोह जिले की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्पीच थेरेपी और कान की मशीन के लिए अब दमोह से बाहर जाने की जरूरत नहीं, अब दमोह में ही उपलब्ध है स्पीच थेरेपी और कान की मशीन। कान की सुनने की जांच, कान की डिजिटल मशीन, बोलने संबंधित परेशानी जैसे हकलाना, तुतलाना, कम बोलना या बोल ना पाना, लकवा के बाद बोलने में समस्या, मुंह से लार गिरना, चिड़चिड़ापन होना, बोलने और सुनने संबंधित सभी समस्याओं के लिए संपर्क करें सुविनोद स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, डीके मेडिकल के बगल में, A2 मॉल के सामने, 3 गुल्ली चौराहा, दमोह। नवरात्रि स्पेशल ऑफर में कान की मशीन और स्पीच थेरेपी की फीस में 20% की छूट, ऑफर केवल 7 अप्रैल से 7 मई तक। डॉक्टर आकाश बड़ौलिया कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच थेरेपिस्ट, डॉक्टर बादल बड़ौलिया कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट एवं स्पीच थेरेपिस्ट। हमें संपर्क करने के लिए डायल करें 7999 56 39 55 96 85 55 56 30।